शांति देख रहे हो, कितनी शांति है। लेकिन ये शांति तूफान से आने की पहले की शांति है। और ये तूफान मेरा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर के घर में तुमने डाका डाल तो लिया, लेकिन अब वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये समझ लो कि तुमने तल तल में फंसने वाला काम किया है। और अभी तो मैम की फट रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद यार पहले अपना फोन ही उठा ले, बजे जा रहे बार बार। उठा रहा हूँ। हेलो। हेलो रोहित, आई एम प्रेग्नेंट, तुम पापा बनने वाले हो क्या? क्या हुआ, चिल्लाया क्यों? और ये फटी, अबे बोलना क्या हुआ? रोहित, 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 तो इस बार मैंने कोई छोटा मोटा गोलमाल नहीं, बहुत बड़ा गोलमाल किया है। आइए देखते हैं कहानी में। किसका फोन आ गया मेरी छाती पे? साले सुबह सुबह नींद खराब करती, फेंक साले। सुबह हो गई, आज तो रिजल्ट आने वाला है। अरे कमीनो उठो, कब तक सोते रहोगे, रिजल्ट आ गया होगा, उठो। मरी हुई लाश की तरह पड़े, उठ जा कुत्तो। क्या हल्ला हो रहा है सुबह सुबह? लाइटर कहाँ रख दिया मैंने? चलो यही सही। एक इसे देखो, सुबह सुबह उठते ही पीना चालू। पर जाना जाना मर गो बैठ चोद, उरा कैसे कर कमाने को भाई, सुबह सोने देखो ना, सोने देखो। अरे ये क्या, ये साइड क्यों नहीं खुल रही है? हाँ अरे यार 15 मिनट बाकी है अभी रिजल्ट आने में, सुबह सुबह चिल्ला के नींद और खराब कर दी मेरी। अरे अभी 15 मिनट और है, मैं तो खाम खाने डर गया था। तब तक एक काम करता हूँ, अपनी कॉफी बना लेता हूँ। हमारा फोन कहाँ है भाई? हमारा फोन इतना छोटा तो नहीं था। सॉरी। अबे सुबह सुबह ये पिएगा क्या? ये पी ले। हमारा फोन नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। सैमसंग या? सैमसंग या? ये कैसे हुआ? अभी तो तुम्हारी पूरी किस्तें भी नहीं गई थी और तुम हमें छोड़ के चली गई। उड़े? ये तेरा फोन ओके? तुम्हारे बाप आईफोन की कसम, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे सैमसंगिया। लाला, तूने हमारी सैमसंगिया फोड़ दी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लगता है संतोषी आज अपना गुल्लक फुड़वा के ही मानेगा। जान से मार देंगे तुझे। अरे कैसे करके मैं उन्हें को, भैया फोन तो तुड़वा लिया तूने, आपका गौंड भी तुड़वाएगा। हमारी सैमसंगिया बोल माल। तो भाई क्या पी रहा अकेले अकेले? ये केक की प्रीमियम कॉफी है, वो भी हेजलनट फ्लेवर। अच्छा भाई। हाँ भाई, और ये कोई नॉर्मल कॉफी नहीं है, प्रीमियम कॉफी है, आई मीन बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है ब्रो। तो भाई मार्केट में तो और भी कॉफी है, तो यही बेस्ट क्यों है? अरे मेरे भाई ये कॉफी बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें हमें काफी सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हेजलनट, एस्प्रेसो, मोचा, वेनिला एंड कैरेमल भी। अच्छा भाई, ये तो बढ़िया है फिर। हाँ भाई, और इसमें नो एडिड शुगर, नो चिक्योरी पाउडर, ना कोई मिलावट, और स्मूथ एंड बढ़िया कॉफी है। और तो और इसमें आयरन है,
प्रोटीन है, कैल्शियम है एंड पोटेशियम भी। ओ भाई इतनी सारी चीजें इसमें। तो भाई अब टेस्ट करा दे। ले। और गाइस मैं तो आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग एक बार किक की प्रीमियम क्वालिटी कॉफी जरूर ट्राई करें। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो ऑर्डर नाउ। भाई कॉफी तो बढ़िया है और रिजल्ट भी आ गया होगा, चल देख लेते हैं। अबे हाँ यार चल। लो भाई आ गई फैसले की घड़ी, तो किसका करना चेक रिजल्ट? पहले मेरा देख। अरे रोहित भाई आप तो टॉपर हैं, पहले हमारा चेक कर लीजिए, इस बार बहुत मेहनत की है। हाँ भाई पहले संतोषी के चेक कर लेते हैं। लाला भाई संतोषी नहीं, संतोष कहिए। हाँ हाँ भाई संतोष। देख देख देख। अरे संतोष तू तो भाई पास हो गया, वो भी 64% के साथ। भाई इस बार बहुत कड़ी मेहनत की थी क्या तुमने? वाह भाई चलो बढ़िया है, अब कहीं ना कहीं अच्छे कॉल सेंटर में जॉब लग ही जाएगी। 64 पे तो लग ही जाएगी। अबे ओ बाबे, अब भाई मेरा भी चेक कर लो। एक काम कर पहले इस गजेड़ी का ही चेक कर ले, क्या पता आंसर शीट का रोल बना के फूक के आ गया हो। हाँ भाई पहले बॉबी को चेक कर लेते। लेकिन भाई इसका रोल नंबर क्या है? 1714। अरे लिख 172914। ओ भाई गांजा भी पास होगा, वो भी 33% के साथ। वाह भाई पार्टी। सही है भाई सही है, पास हो गया। थोड़ा बहुत भी नीचे ऊपर रह जाता ना तो रह ही जाता। वाह बाबे तेरा भाई फेल हो जाए कोई चांस ही नहीं था, हर एक एग्जाम शीट में एक एक गांजे की पुड़िया रख के आया था मैं। सही है, चल भाई अब एक काम कर जल्दी से मेरा देखना। अरे भाई थम जा, तू तो कॉलेज का टॉपर है, पास ही होगा, पहले मैं अपना चेक कर लूं। ठीक है जल्दी चेक कर। ओ भाई तेरा भाई पास हो गया, वो भी 69% के साथ। ये सही है अब मेरा देख। हाँ भाई करता हूँ कॉलेज के टॉपर का रिजल्ट चेक। भाई ने तो लठी गाड़ दिया होगा, क्वेश्चन पेपर की भी गेंद फेंक दी होगी। देखना यार। अरे भाई यू कहो को देखिए जरा। ये कैसे हो सकता है, मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूँ? नहीं नहीं रोहित भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार दोबारा चेक करिए। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तेरी तो रुक जा। ओ बॉबी हर टाइम ना मजाक अच्छा नहीं होता। यार ये कैसे हो सकता है मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैं अभी प्रिंसिपल से जाके बात करूंगा। अरे यार लगता है इसको पता चल गया। हेलो। हाँ टॉपर चेक किया मैंने तेरा रिजल्ट, हो गया ना तू फेल? लेट हुआ ना तुझे तेरा कॉन्फिडेंस? समझाया था पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं तुझे मेरी सुननी थोड़ी है। यार बेबी मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे फेल हो गया। ओए डोंट कॉल मी बेबी, मना किया था ना तुझे मूवीज के लिए मिलने के लिए, योयो रूम का प्लान बनाने के लिए, लेकिन नहीं तुझे मेरी सुननी थोड़ी है। अब हो गया ना पूरा साल बर्बाद। देखो यार मैं खुद परेशान हूँ और इसीलिए ना मैं प्रिंसिपल ऑफिस जा रहा हूँ कॉलेज में बात करने। देख अब तू प्रिंसिपल से बात करी अपने बाप से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस अब मुझसे तभी बात करियो जब तू पास हो जाएगा, शक्ल मत दिखाइयो मुझे तब तक अपनी। चल अब फोन रख। यार चूतिया मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। ओया ओया ओ मेरा रोहित पुत्र आ गया, मेरे कॉलेज की शान टॉपर टॉपर आ गया, पास से तू हो गया होगा। खैर छोड़ ना कोई काजू कतली ना डोडा बर्फी, खाली हाथ आ गया, निकल मेरी बात करूंगा, निकल यहां से चल। सर आपकी काजू कतली और डोडा बर्फी गई भाड़ में, आपका टॉपर एक सब्जेक्ट में फेल है। क्या तू तू फेल हो गया? तेरा नाश हो तेरा, मतलब तू उन 2% जो नलायक बच्चे उनमें शामिल हो गया। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं फेल कैसे हो गया? पुत्र जी कभी कभी जवानी में ना पैर लड़खड़ा जाते हैं। सर ये जवानी बीच में कहां से आ गई, और वैसे भी मैं फेल नहीं हो सकता। करिश्मा मैम कहां है, मुझे उनसे बात करनी है, अभी अर्जेंट मिलना है। ओए पुत्र जी मुझे खुद नहीं पता कि मैडम जी कहां चली गई है, मेरा तो खुद कॉलेज में दिल नहीं लग रहा, पिछले 3 दिन से वो छुट्टी पर है,
और ये सारी चीजें कॉलेज की एक ही चीज मुझे काटने को तोड़ती है। अगर तुझे मिले ना तो कह दियो सर जी मिस यू, वेरी मिस यू। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मैडम से बात करनी है, अगर आपके पास उनका नंबर है तो प्लीज मुझे दे दो। और बेटा बात तो मुझे भी करनी है उनसे, पर उनका फोन लगता ही नहीं है। और वो क्या है उनकी टिंडर आईडी, अरे वो तो ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। सर आपका ये टिंडर गया भाड़ में, मुझे अपने रिजल्ट के बारे में बात करनी है, वरना मेरा एक साल खराब हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे मैडम का नंबर दे दो। बस अगर ऐसी बात है तो तुझे मैं फोन नंबर क्या बेटा उसके घर का एड्रेस देता हूँ। एक मिनट ये ले बेटा, अपने कॉलेज के लड़की ना मुझे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है इस एड्रेस के लिए, पर मैं नहीं देता। और तू मुझे शरीफ भी लगता है और कॉलेज का टॉपर भी है, जा मैं तुझे देता हूँ, ये ले। बड़ी जल्दी चल ले ले, ले। जा जा बेटा जा। ठीक है सर, पर आपको शर्म नहीं आती, आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हो और ऊपर से शादीशुदा भी। हाँ हाँ मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, पर क्या मेरे पास दिल नहीं है, अरमान नहीं है, मेरा नहीं तो कितना प्यार करूं, मोहब्बत करूं, किसी मतलब किसी से प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकता। और तू क्या कर रहा है बाबर कि मैं शादीशुदा, अरे शादीशुदा के दिल्ली होते। और एक बात याद रखियो, मैं कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाऊं, शेर कभी शिकार करना नहीं छोड़ता। मैं आज भी घर के बाहर कोई आती ना तो हाथ करके सिखाता हूँ। दिल तो बच्चा है जी। चला गया क्या? अरे बच्चे का समझेंगे मेरी फीलिंग, करिश्मा तू ही समझ जा। गोलमाल। उरे जो किसका सिलेंडर ठाला है मारते लोहे का। अबे लाला बॉबी पूरे 2 साल बाद पास हुआ है, अगर पार्टी करनी है मेरे भाई तो पार्टी का खर्चा उठाना पड़ेगा ना मेरी जान। अरे कैसी बात कर रहे हो बॉबी भाई, हम लोगों का भी एक मित्र फेल हुआ है जो कि हमेशा से टॉप करता था और आपको पार्टी की पड़ी है, शर्म आनी चाहिए आपको। अबे संतोषी वो एकदम रोड़ू आदमी है यार। हाँ ठीक है, कम से कम हम नशा और धूम्रपान तो नहीं करते, और लो आज चोरी भी कर ली। लाला भाई हमारे घर में गंजेड़ी और नशेड़ी नहीं चोर भी रह रहे हैं। और चोर किसको बोला तूने? अरे अरे लड़की रहे हो वो भी। संतोष सही कह रहा है भाई, पार्टी तो हम करेंगे लेकिन रोहित के पास होने के बाद। तू तुम दोनों बाहर में जाओ, मुझे नहीं करनी कोई पार्टी और मुझे नहीं रहना तुम जैसे गंडुओं के टोली में। वो चढ़ गई है आज। गंडुआ बोल गया भाई। गोलमाल। अरे यार आ रही हूँ, रुको चल कर आऊंगी, उड़ के थोड़ी ना। रोहित तुम यहाँ पे? I'm sorry मैम, आपको इतनी रात में परेशान करने के लिए। वो क्या है कि ना मुझे आपसे कुछ बात करनी थी एग्जाम से रिलेटेड। तो कॉलेज में करना, ये मेरा घर है, ये कोई टाइम है बात करने का? ये तो पीने का टाइम है। I'm so sorry मैम, मैं इस टाइम आपके पास आ गया लेकिन बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ आपके हाथों में। मेरे हाथों में तो शराब है। अब तुम आ ही गए हो तो आ जाओ अंदर। चलो कोई तो आया, मैं कब से अकेली पी रही थी। और तुम्हें पता है अकेले पीने में कोई मजा नहीं है, ये लो। नो मैम थैंक्स, आप पियो, बस आप मेरी 2 मिनट बात सुन लो उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम अभी चले जाओ वो रहा दरवाजा, और हाँ
अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है ना तो पहले मेरे लेवल पे आओ। पियो, इतना सोच क्या रहे हो? लो मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, आपके जैसे मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। मैं जानता हूँ, मैं अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आया था, लेकिन पता नहीं क्यों आपने मुझे फेल कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? इसमें ना मेरी गलती है और ना ही तुम्हारी। सारी गलती तुम्हारे मॉम एंड डैड की है, जिन्होंने तुम्हारा नाम रोहित रखा। मैम ऐसे मत बोलो, और मेरा नाम रोहित होने से इसका एग्जाम में मेरा फेल होने से क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम भी रोहित है, और वो हरामी मुझे चीट कर रहा था। दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर था उसका, कुत्ता कहीं का, और अब हमारा डाइवोर्स होने वाला है। क्या आपने अपने रोहित के चक्कर में इस रोहित की लाइफ खराब कर दी? मैम प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे पास कर दो, प्लीज। तुम्हें तो मैं पास कर दूंगी, मुझे कौन पास करेगा? तुम्हारा तो सिर्फ एक साल बर्बाद होगा, मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। अरे मैम प्लीज आप रो मत, और आप देखना आपको उससे भी अच्छा मिल जाएगा, और आप तो वैसे भी इतनी सुंदर और हॉट हो। क्या मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ? मतलब वैसे नहीं, पर हाँ आप हॉट तो हो। थैंक यू रोहित, मुझे लगा था सारे रोहित एक जैसे होते हैं, पर तुम बहुत अलग हो। I'm sorry. मैम सॉरी किस लिए? मेरा फोन। अरे यार ये तो स्विच ऑफ है। गोलमाल। हाँ तो जी नाम बताओ। जैस्मिन। अरे मैडम आपका नाम नहीं पूछा, जो बंदा कल से मिसिंग है ना उसका नाम बताओ। रोहित, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अच्छा तो इससे आखिरी बार बात कब हुई थी? इंस्पेक्टर साहब जी आखिरी बार बात उससे कल हुई थी जब वो फेल हो गया था। अरे अब ये कबूतर कौन है? कबूतर नहीं जनाब, दुनिया बॉबी शेर के नाम से जानती है। अरे वो बॉबी शेर साले रैप्टा मार के ना सूअर बना दूंगा, पर साले तुम नशे में है क्या? अरे जनाब मैं नशे में नहीं हूं, नशा मुझ में है। साढ़े तेरह नशा तो अभी उतार दूंगा, ये केस सॉल्व हो जाने दे। हाँ तो आपको किसी पे शक? तुम तीनों मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया,
और माना मैं उसे लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, उसे मार लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इन सब में मेरा हाथ है। और हो सकता है ना उसने फेलून के गम में सुसाइड ही कर ली हूँ। क्या सुसाइड? इसका मतलब रोहित भाई अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित भाई, अरे 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 संभालो इसको। अरे 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 चुप हो जा मेरे यार, कुछ नहीं हुआ रोहित को, ठीक है वो आ जाएगा। पुलिस, ये सब क्या हो रहा है? अबे अब ये कौन है? सर यही तो रोहित है। कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कहाँ ऐसी तैसी करा रहा था भूल जा? तुझे पता हम कितना डर गए थे, हमें लगा तूने फेलोने के गम में सुसाइड कर ली है। अरे मैडम बस करो और कानून को अपने हाथ में मत लो। अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, पर ये यहाँ कैसे आ सकता है? सॉरी। अरे कौन है यार भाई तू? तो बोलो टेंशन के मारे वो भी और संतोष की फटके चार होगी। हाँ रोहित भाई, आपको देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं तो लग रहा था कहीं आपने सुसाइड ना कर लियो। क्या सुसाइड? तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? और ये घर में पुलिस वाला क्यों बुला रखा है? अबे ये तो मेरा सिलेंडर है, लेकिन यहाँ कैसे? अबे ये मेरा सिलेंडर यहाँ कौन लेकर आया? ये सिलेंडर? सर ये आपका सिलेंडर है? हाँ। ये सिलेंडर तो कल बॉबी शेर लेके आए थे यहाँ पे। मरवाली? अच्छा तो ये कांड इस नशेड़ी का है। अबे वो नशेड़ी, तू साले चोर भी है? दरगड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये सिलेंडर मैं चुरा के नहीं लाया था, वो इसमें गैस नहीं थी ना, तो मैं सोचा गैस भरा के ले आऊं। गोलमाल, गैस भराएगा तेरे में तो गैस मैं भरता हूँ आज। ये सब चल क्या रहा है? अब क्या कांड कर दिया इसने? जनाब माफ कर दो जनाब, जनाब मेरी पैंट छोड़। जनाब माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आपके बच्चे जैसा हूँ। जनाब बच्चे जैसा? सारे बूढ़ी गांड हो रहा है तू, बच्चे जैसा बता रहा अपने आप को। अरे भाई ने जैसे लेकर आए ना वैसे चले गए, चल चल। साला तूने मुझे फंसाया ना, पहले सिलेंडर फेंका हूं फिर तुझे फेंकता हूं। अच्छा चलो मैं चलता हूं, तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया और मुझे मेरा सिलेंडर, तो मैं चलता हूं। हेलो। हाँ पापा, वो मैं बस बाहर तक आई थी, आ रही हूँ। बिट्टू पापा का फोन आ गया, घर जा रही हूँ, तू शाम को मिल, बताती हूँ तुझको। अब और कुछ भी बताने को रह गया क्या? रोहित भाई आपकी प्रेमिका तो रानी कम झांसी की रानी ज्यादा लगती है, ऐसी तलवार की तरह जुबान चलती है उसकी। नहीं हाँ यार, तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, चार्जर कहाँ है? गोलमाल ले। अच्छा रोहित तू प्रिंसिपल तो रह गया, बात करने का वो तेरे रिजल्ट को, कुछ बात बड़ी? नहीं यार सर से तो कोई खास बात हो नहीं पाई, लेकिन उसके बाद मैं करिश्मा मैम के घर गया था। क्या करिश्मा मैम? तो वहाँ एड्रेस कौन था मिल को? वो तो प्रिंसिपल सर ने ही दिया था। अच्छा तो मैडम से तूने पेपर रीचेक करने की बात करी? नहीं पेपर रीचेक की बात तो नहीं हो पाई, उल्टा कुछ और ही हो गया। कहो को भाई। यार वो जब मैं मैम के घर गया ना तो मैम थोड़ा, अबे नहीं तू सबको बता देगा, मैं नहीं बता रहा। अरे भाई मैं कहीं ना बता रहा, मैं बता तो सही, वहां के बाद मैं फिर अपने आप भी नहीं बताऊंगा, मैं तो तेरी गैली रहूं। अच्छा देख प्लीज किसी को बताइयो मत, मैं जब मैम के घर गया ना तो मैम थोड़ा नशे में थी और फिर उसके बाद। ओ भाई तू पेपर रीचेक करने गया था और मैडम ही चेक कर दी, काश तेरी जगह मैं फेल हुआ होता तो मैं जाता मैडम चेक करने। हट। ओए प्रिंसिपल का फोन आ रहा है, उठा ले उठा ले। हेलो सर।
ओए रोहित पुत्र, ओए तूने तो जादू कर दिया, जादू हैं? जादू? ओए हाँ पुत्र, ओए तूने क्या जादू किया और किया कैसे? अरे सर मुझे क्या पता, मैं कोई मिल गया का रोहित थोड़ी हूँ, मैं तो गोलमाल का रोहित हूँ, लेकिन हुआ क्या? ओए अपनी करिश्मा जी का कॉल आया था, अब मेरा मतलब है मेरी करिश्मा जी का कॉल आया था और वो कह रही थी कि तेरा पेपर ना रीचेक किया है और बेटा उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी और तू पास हो गया मेरे लड्डू, तू पास हो गया है सर सच्ची? अरे मुच्ची तू पास हो गया। अच्छा एक बात बता कि तूने करिश्मा जी के घर में जाके ऐसा कौन सा काम किया है कि तेरा काम इतनी जल्दी हो गया? अरे सर ये सब मैं आपको मिलके बताऊंगा, अभी बाय, थैंक यू सो मच। ओए मैं पास हूं। तो भाई पास तो होना ही था ना, कॉलेज का टॉपर जो है, ऊपर से अब तो मैडम भी भाई की सेटिंग हो गई है, भाई भाभी दो भाभी हो गई। चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे। ओ भाई सॉरी सॉरी। एक काम करता हूँ, जैस्मिन को भी फोन करके बता देता हूँ, बेचारी मेरे चक्कर में कितनी परेशान है ना, खुश हो जाएगी। हाँ भाई कर ले इतने मैं भी थोड़ा गोबर कर लूँ। गोबर? हाँ भाई 10-15 रोटी खाऊ ना तो गोबर जितना। अच्छा चल ठीक है, चल कर ले। हेलो बेबी मैं पास हो गया। वाओ रियली? अरे हाँ, और वो मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस जा रहा हूँ बात करने। हाँ तो मैंने अपना पेपर रीचेक करवाया, वो करिश्मा मैडम से कुछ गलती हो गई थी तो अब वो सही हो गई है और मैं पास हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम पास हो गए। एंड आई एम सो सॉरी यार मैंने तुम्हें इतना सुनाया, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो गई थी तुम्हें लेकर। अरे नहीं कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा सुनो ना यार, अब तुम पास हो ही गए हो तो किसी अच्छे से कैफे में चल के सेलिब्रेट करें। हाँ करते हैं। हाँ यार क्योंकि इतने दिनों से हमारी सिर्फ लड़ाइयां ही हो रही हैं, शाम में मिलके सॉर्ट भी कर लेंगे और हमें थोड़ा क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। हाँ यार ये तो अच्छा प्लान है, मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फिर आज शाम को मिलते हैं। ठीक है बाय। ओके बाय, लव यू। लव यू टू। यस पास हो गया। तो रोहित भाई ऐसे पास हुए हैं, मैं तो इनको टॉपर समझ रहा था, मगर ये तो पापी निकले। छी गोलमाल। कहाँ रह गया यार ये, कभी टाइम पे नहीं आता, हमेशा मुझे वेट कराता है। सॉरी यार बेबी वो थोड़ा सा लेट हो गया मैं। थोड़ा सा लेट? तुझे पता है मैं पिछले 2 मिनट से तेरा वेट कर रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, और वैसे भी 2 मिनट की तो बात है, कुछ भी नहीं होता 2 मिनट में। हाँ वैसे भी 2 मिनट में होता ही क्या है। मतलब? मतलब मतलब कि यही कि तू भी 2 मिनट से ज्यादा ना टिक नहीं पाता। आया बड़ा 2 मिनट 2 मिनट। यार आज भी मेरी बेइज्जती करोगी, तुमने तो फोन पे कहा था कि लड़ाई नहीं करेंगे, सब सॉर्ट करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। प्लीज यार आज नहीं लड़ते ना, हम तो सेलिब्रेट करने आए, तो प्लीज ये लड़ाई लड़ाई खत्म करो और कुछ खाने का ऑर्डर करो। ठीक है फिर करो ऑर्डर। रोहित आई एम प्रेग्नेंट, तुम पापा बनने वाले हो। क्या क्या हुआ, चिल्लाया क्यों, अबे बोलना क्या हुआ। रोहित 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 उठना, रोहित रोहित उठना, क्या हुआ तुझे? सो हे गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जेन्युइनली आप लोगों से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि मुझे 30 मिनट्स का एपिसोड बनाना चाहिए या नहीं, बिकॉज डर लगा रहता कि चलेगा या नहीं,
वैसे खैर चल तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके जरूर बता देना कि मैं इतना बड़ा एपिसोड बनाऊं या नहीं बनाऊं, या फिर अपना वही 15-20 मिनट का एपिसोड बनाऊं। और गाइस किक की प्रीमियम क्वालिटी कॉफी जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके ऑर्डर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको अपडेट मिल जाए। और हाँ गाइस, जैसे इस वीडियो का ट्रेलर मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, ऐसी बाकी एपिसोड्स के ट्रेलर भी इंस्टाग्राम पर आते रहेंगे और बहुत सारी अपडेट्स भी मैं वहां डालता रहता हूं, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मेरा यूजर नेम है @AnikitBenival, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे बहुत जल्द सेकंड एपिसोड के साथ। बाय, लव यू।